फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड क्राफ्ट और मैं हूं सोनिया शर्मा। आज की हमारी रेसिपी है पनीर बटर मसाला, जो सबको बहुत ही पसंद आती है। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो पनीर बटर मसाला बनाने के लिए हम जो सामग्री लेंगे वो इस तरह से है। 2 हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज प्याज, 4 बड़े टमाटर, 4 लहसुन की कलियां, 10 से 12 काजू, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 छोटी इलायची, 2 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च और 1 तेज पत्ता। अब एक पैन में आधा गिलास लगभग 300 ml के करीब पानी ले लेंगे। अब टमाटर, प्याज और हरी मिर्च के बड़े बड़े टुकड़े करके इसमें डाल देंगे। अब साथ ही इसमें खड़े मसाले और काजू भी डाल देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल के इसको 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 15 मिनट बाद देखेंगे कि हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब इसमें से सारे खड़े मसाले बाहर निकाल लेंगे। सारे खड़े मसाले निकालने के बाद इसको अब मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और इसका प्योरे तैयार कर लेंगे। अभी से प्योरे का कलर कितना अच्छा लग रहा है। अब एक कढ़ाही में लेंगे 60 ग्राम बटर, क्योंकि हम यहाँ पे पनीर बटर मसाला बना रहे हैं तो इसलिए हम इसको बटर में ही बनाएंगे। कढ़ाही में बटर डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि कढ़ाई ज़्यादा गर्म ना हो और फ्लेम लो हो, क्योंकि हमें बटर को पकाना नहीं है, सिर्फ इसको हल्का सा गर्म करना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे बटर जल जाता है। तो जब भी आप बटर को डालें इसको लो फ्लेम करके ही डालें, या फिर बटर के साथ थोड़ा सा ऑयल डाल दें। अब उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। अब इसको हल्का हल्का चलाएं ताकि बटर में गार्लिक का टेस्ट आ जाए। हमें यहाँ पे गार्लिक को ब्राउन नहीं करना है, तो फ्लेम लो ही रखें। अब पनीर के टुकड़े काट के इसको गार्लिक बटर में हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो पनीर के टुकड़े थोड़े बड़े बड़े ही रखना, ज़्यादा छोटे मत करना। यहाँ मैंने 500 ग्राम पनीर लिया है। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो उसी हिसाब से ग्रेवी को थोड़ा बढ़ा दें। हमें यहाँ पे पनीर को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इतना ही करना है कि गार्लिक बटर का टेस्ट पनीर में आ जाए। तो अब हमारा पनीर फ्राई हो चुका है, बस हमें पनीर को इतना ही फ्राई करना है। अब पनीर के टुकड़ों को निकाल लें। और अब इस बटर में इस तरह से कटी हुई हरी मिर्चों को डाल दें, क्योंकि इसी बटर में हम पनीर बटर मसाला के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। अब लगभग 20 सेकंड बाद इसमें हम डालेंगे अपने मसाले। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च को इस स्टेज पे डालने से ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसको 2 से 4 सेकंड के लिए इसमें मिला लें। यहाँ पे फ्लेम अभी लो ही रहेगी। तो यहाँ पे अब हम डाल देंगे टमाटर, प्याज, काजू और दूसरे मसालों का प्योरे। अब इन सबको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर,
हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, नमक स्वादानुसार, यहाँ पे मैंने हाफ टेबल स्पून डाला है, हाफ टेबल स्पून हल्दी, और हाफ टेबल स्पून किचन किंग। आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। अब मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे लो फ्लेम पे। अब 5 से 7 मिनट बाद इसमें आधा कप दूध डाल देंगे। अब इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए फिर से ढक के रख देंगे। तीन से चार मिनट के बाद इसको चलाकर इसमें एक चम्मच चीनी डाल देंगे। अब फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी हाथ से ही क्रश करके इसमें डाल देंगे। कस्तूरी मेथी बिल्कुल थोड़ी सी ही लेनी है, क्योंकि ज़्यादा लेने से सब्जी कड़वी भी हो सकती है। कस्तूरी मेथी डालने के बाद जब इसमें हल्का सा उबाल आ जाए तो इसमें हम डाल देंगे गार्लिक बटर में फ्राई किए हुए पनीर के टुकड़े। पनीर को ग्रेवी में डालने के बाद इसको हल्के हाथ से ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। पनीर को ग्रेवी में मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे आधा कप क्रीम, लगभग 100 ग्राम। अब इसको हल्के हाथ से चलाकर लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, आपका पनीर बटर मसाला सर्व करने के लिए तैयार है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को वीडियो अच्छी तो लगती है बट वो लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे इससे इंस्पिरेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और नई नई वीडियो ला सकूंगी। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।